इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का कई बार मजाक बना है। कभी एयरपोर्ट के ऊपर उनके प्राइम मिनिस्टर की कपड़े उतारकर चेकिंग की जाती है, तो कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को विदेशों में एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव करने के लिए कोई भी नहीं आता है। पिछले कुछ समय से हम तो ये भी देख रहे हैं कि इवन अफगानिस्तान का तालिबान रजीम भी पाकिस्तान को लगातार ट्रॉल कर रहा है, पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है। एंड जो बाकी बची कसर थी वो खुद ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद ही पूरी कर दी है। रिसेंटली उन्होंने खुद ही कहा था कि उनको हाथ में कटोरा लेकर दूसरे देशों में जाने में शर्म आती है, क्योंकि सामने वाले देश को पहले ही पता चल जाता है कि ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए ये कुछ मांग नहीं आया होगा। यहाँ तक तो चलो ठीक था। अब इन सब के बाद एक आतंकी संगठन है, उसने भी पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ट्रॉल करना स्टार्ट कर दिया है, पाकिस्तान का मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया है, वो भी कश्मीर के मुद्दे के ऊपर भारत से रिलेट करके। पाकिस्तान की सरकार ने टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ कुछ समय तक सीज फायर किया था एंड कहा था कि टीटीपी की जो भी जेन्युइन डिमांड्स होंगी उन सभी को पूरा किया जाएगा। टीटीपी के हमलों में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पुलिस को काफी नुकसान हो रहा था, जिसके चलते टीटीपी के साथ सीज फायर करवाने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने टीटीपी को ये तक कह दिया था कि टीटीपी के कुछ मिलिटेंट्स जो पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, एज अ गुडविल जेस्चर उन सबको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब टीटीपी के साथ वादे को पूरा नहीं किया गया तो टीटीपी ने सीज फायर को तोड़ दिया है और अब पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पुलिस को निशाना बनाना दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि टीटीपी ने पिछले साल 2022 में कुल मिलाकर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पुलिस के 179 पर्सनल्स की जान ली थी और ये हमले अकेले टीटीपी के हैं। इसके अलावा बलोच लिबरेशन आर्मी और बाकी कई सारे आतंकी गुट हैं जिनके हमलों में और भी सिविलियंस और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की जान गई है। और इस साल के स्टार्टिंग में ही टीटीपी ने पाकिस्तान की मस्जिद के अंदर एक सुसाइड अटैक करवाया था जिसमें पाकिस्तान पुलिस के 100 से ज्यादा जवान मारे गए थे। अब पाकिस्तान आर्मी टीटीपी के हमलों को तो रोक नहीं पा रही थी, ऐसे में पाकिस्तान आर्मी ने टीटीपी के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि ये जो टीटीपी है यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से मदद लेती है। रॉ का खड़ा किया गया एक प्रॉक्सी संगठन है जो रॉ से फंडिंग और हथियार लेता है। इन सब आरोपों के बाद अब टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी को आईना दिखाने का काम किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट पोस्ट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर टॉन्ट मारा है और स्टेटमेंट जारी की है कि पाकिस्तान आर्मी खुद तो कश्मीर का एक इंच भी भारत से आजाद नहीं करवा पाई है एंड वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। टीटीपी के मीडिया विंग टीटीपी उमर मीडिया ने एक स्टेटमेंट जारी की है और कहा है कि भारत या फिर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की तरफ से उनको कोई भी फंडिंग नहीं मिल रही है, ना ही भारत उनको सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान आर्मी जो ये आरोप लगा रही है ये पूरी तरह से एक फेक प्रोपेगेंडा है। टीटीपी ने कहा है कि अगर टीटीपी को भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से समर्थन मिलता तो फिर पाकिस्तान आर्मी दौड़ दौड़ कर अफगानिस्तान तालिबान के पास क्यों जाते हैं, उन्हें क्यों कहते हैं कि वो टीटीपी को अपनी धरती का इस्तेमाल ना करने दें। टीटीपी ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी बड़े बड़े दावे करने के बावजूद किसी भी काम की नहीं है, वो कश्मीर का एक इंच तक भारत से आजाद अभी तक नहीं करवा पाई है, पाकिस्तान आर्मी बस अपने देश के लोगों के ऊपर जुल्म ही कर सकती है। इसके आगे टीटीपी ने कहा है कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति बर्बाद हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस आ रहा है वो सब पाकिस्तान आर्मी की देन है, इसके लिए पाकिस्तान आर्मी ही जिम्मेदार है। टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी को चैलेंज किया है कि पाकिस्तान आर्मी कश्मीर का एक इंच भी लेकर दिखाए उसके बाद टीटीपी से बात करे, यानी ये हालत होगी पाकिस्तान आर्मी की। अब आतंकी संगठन भी पाकिस्तान आर्मी का मजाक बना रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इनडायरेक्ट चैनल से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ टीटीपी की मदद करती होगी, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।